सर्दियों का मौसम है और इस समय मटर की बहार है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मटर का निमोना आप शेयर कीजिए, ट्रेडिशनल तरीके से जो आप बनाती हैं उसकी रेसिपी आप शेयर कीजिए। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये लीजिए। इसके लिए ये लगभग आधे के करीब मैंने मटर ली है, जो ये खड़ी ही रहेगी, और मेज़रमेंट से 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने मटर ली है, वो मैं पीस लूँगी। इसे दरदरा पीसेंगे और इस मटर को जो आधे कप से कम है उसको खड़ा रखेंगे। 2 प्याज है और 2 लहसुन, मैंने 2 गांठ मैंने लहसुन ली है। आप चाहें, अगर आप लहसुन का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप 1 गांठ लहसुन हटा सकते हैं, 1 गांठ लहसुन का प्रयोग करें। इसके साथ ही मैंने 4 लाल मिर्च ली है, 3 हरी मिर्च ली है और ये 2 तेज पत्ता लिया है। ये देखिए, इतनी अदरक ली है। अभी अदरक लहसुन प्याज छीलने का काम बाकी है, वो छीला जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, थोड़ी सी जावित्री ली है, ये देखिए थोड़ी सी जावित्री है, 4 लौंग है और चक्री फूल में से 2 टुकड़े मैंने तोड़ के लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी ली है, 1 टीस्पून जीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 छोटी इलायची है, 1/2 टीस्पून के लगभग काली मिर्च है और 2 तेज पत्ता यहाँ पे रखा है। जो 2 तेज पत्ता ये जो मसाले के साथ रखा है, खड़े मसाले के साथ, वो लहसुन प्याज मिर्च के साथ पीस दिया जाएगा। बाकी जो 2 अलग से तेज पत्ता रखा है वो तड़के में जाएगा। और मटर जब भी आप पीसें तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा दरदरा पीसें। और जब भी आप कोई ट्रेडिशनल सब्जी बनाते हैं, या निमोना बनाते हैं, या सूरन की सब्जी बनाते हैं, या कटहल बनाते हैं, तो कोशिश ये करें कि हमेशा लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें। लोहे की कढ़ाई में बनाने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, सरसों का तेल मेरा गर्म हो गया, लोहे की कढ़ाई है मेरी। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैंने मेथी डाला है और लगभग उतना ही हींग डाला है। हींग और मेथी बहुत ज़रूरी है मटर के साथ, इसका प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगर मटर के साथ इनका प्रयोग ना किया जाए तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। मटर क्योंकि बहुत हैवी होती है, गरिष्ठ होती है। ये देखिए, 2 से 3 मैंने आलू लिए थे, छील के काट लिए हैं। 1 मसाला बड़ी है जो मेरी घर की बनी हुई है, हल्दी है और नमक स्वादानुसार है। ये देखिए, सारे मसाले मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं और मटर मैं भून रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मटर किस तरीके से भून रही है। मटर अभी आपको लग रहा होगा कि मटर भून गई है, बट अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है, जिससे उस बहुत अच्छे से उसका कच्चापन एकदम निकल जाए, तब उतना भूनना है। मटर भून कर निकाल लेंगे, फिर लोहे की कढ़ाई में ही, ये देखिए सरसों का तेल मैंने गरम किया, मैं इसमें बड़ी को फ्राई करके निकालूंगी। 1 बड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही खाना है, बच्चे बड़ी पसंद नहीं करते हैं और बड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 बड़ी डाली है अपने हिसाब से। और मसाला बड़ी है इसलिए मिर्चे का प्रयोग थोड़ा सा कम किया है। आप चाहें तो मिर्चा और यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कितना मिर्चा ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी मिर्च और ले सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। ये बड़ी मैंने फ्राई करके निकाल ली। अब इसमें देखिए तेल गर्म हो रहा है, अब इसमें तेज पत्ता जाएगा, उसके बाद पिसा हुआ जो मसाला है वो, लेकिन उसके पहले हम आलू फ्राई करेंगे। आलू को अच्छे से भून लेना है, तब जो कहते हैं ना कि गुलाबी हो जाना आलू का, उस स्टेज तक ले आके आलू को भूनना है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर हो रही है, तो आप इस स्टेज पे थोड़ा नमक डाल देंगे तो आलू आपके जल्दी भुन जाएंगे। लेकिन अगर जल्दी नहीं है तो फिर इत्मीनान रखिए और उसको आराम से भूनिए। आलू भुन गया मेरा, अब इस स्टेज पे मसाला डाल दे रहे हैं। जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी है और आप कढ़ाई में बनाएंगे तो समय लगेगा, तो एक काम आप कर सकते हैं कि सारी चीज़ें कढ़ाई में भून के तैयार कर लीजिए। सारा मसाला भून लीजिए, मटर आपने लोहे की कढ़ाई में भून लिया, मसाला आपने लोहे की कढ़ाई में भून लिया, तो उसमें उसका टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आप उसे कुकर में डालकर प्रेशर कर सकते हैं। कुकर में डाल के प्रेशर करके निकाल लीजिए। ये देखिए, जो खड़ी मटर थी वो मैंने इसमें डाल दी है। मसाला मेरा एकदम परफेक्ट भुन चुका है, एकदम मसाला ड्राई हो गया है।
बहुत बढ़िया बुना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जब आप बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इस मसाले की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और निमोना बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी पिसा हुआ मसाला मत यूज़ कीजिए। जब भी निमोना बनाइए तो मसाला तुरंत पीसिए, तब उसको यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये मसाला पूरी तरह भुन चुका है। अब मैं इसे कुकर में पलटूंगी। ये देखिए, पलट दिया कुकर में। अब पानी मैंने उधर गर्म करने के लिए रखा है, वो मैं पहले कढ़ाही में डालूंगी, जिससे कढ़ाही में जो मसाला लगा है वो सारा मसाला उस पानी में आ जाएगा। जितना भी जो भी उसका अर्क है वो सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद मैं उसे कुकर में पलट कर प्रेशर कर दूंगी। और बाकी ये देखिए, गर्म पानी ही मैंने यूज़ किया है। 2 से 3 ग्लास के करीब मैंने पानी गर्म लिया है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि ये आप थिकनेस या पतला रखना, ये आपके अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना पतला रखते हैं। मैंने इसमें 3 बड़ी ग्लास पानी डाला है गर्म करके। और तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निमोना आपने भी बनाया होगा अपने तरीके से, लेकिन एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे इस तरह से ट्राई करके देखिए, आप उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो कहिएगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।